प्लान की अगर हम बात करें तो 21 बाई लेंथ तो काफ़ी है, 21 बाई 36 या 40 के आसपास है समझ लीजिए। और ये प्लान आप देख लीजिए, इस तरीके से आपका एलिवेशन दिखेगा, अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हैं इस तरीके से, और दूसरे कलर कॉम्बिनेशन में आप इसको थोड़ा इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो प्लान काफ़ी खूबसूरत है, 21 फीट फ्रंट के साथ बहुत प्यारा सा एलिवेशन आपको मिलेगा। यहाँ पर सीढ़ी दिए गए, सीढ़ी में आपको बड़ा सा ग्लास का डिज़ाइन ऊपर तक कनेक्ट है दोस्तों, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, पहले आप इसका वॉक अराउंड वीडियो देख लीजिए, बाकी डिटेल भी मैं बताऊंगा, तो पूरा वीडियो अंत तक देखें। चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो सामने आपका रोड है, फ्रंट में आपके बाउंड्री का डिज़ाइन है जो 21 फीट है, तो फ्रंट में क्लाइंट ने कुछ स्पेस छोड़ा, यहाँ पे आप इस तरीके से ग्रीन एरिया प्लांटेशन वगैरह अपने हिसाब से कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद ये आपका रहेगा गेट, सेंटर में आपका सीढ़ी, साइड से थोड़ा सा रैंप दिया है, ठीक है। ये आपका गेट रहेगा, मैंने इसको पूरा स्टील का गेट लगाया है ताकि सेफ्टी के तौर पर पूरा अंदर तक सेफ रहे। और ऊपर आपका गेट के ऊपर ग्रिल का डिज़ाइन है, और ये जो बालकनी का डिज़ाइन है कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करें। मुझे पर्सनली तो काफ़ी खूबसूरत एलिवेशन लगा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन मैंने ईंट से ही बनाया दोस्तों। ऊपर भी आपको इस तरीके से रेलिंग का डिज़ाइन आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे गुमटी वाला हिस्सा जो है देख सकते हैं इस तरीके से, ये आपका रेलिंग का डिज़ाइन हो जाएगा, और इस तरीके से हो जाएगा सारा डिज़ाइन। यहाँ पे नीचे आपका स्टील का, और इस साइड में आपका ऊपर ब्रिक का यूज किया दोस्तों। और साइड में जो आपका स्टेयर है उसमें आपको बड़ी सी ग्लास ऊपर तक के इस तरीके से सपोर्ट करके बनाया गया है, और ये जो गुमटी बनेगी दोनों साइड इस तरीके से छज्जा दे करके इसमें लाइटिंग वगैरह आप अपने हिसाब से फिट करा सकते हैं दोस्तों। तो ये एलिवेशन हो गया, अब चलते हैं इसके डिटेल वीडियो की तरफ, और आपको एक एक डिटेल एक एक चीज़ें आपको हम बताते हैं दोस्तों। अब डिटेल वीडियो की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं फ्रंट की बात करें तो 21 फीट है टोटल ये फ्रंट, ठीक है। और लंबाई तो क्लाइंट पास और भी काफ़ी है, मैं सिर्फ इसका सामने का एलिवेशन ही आपसे डिस्कस करूंगा दोस्तों, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये आपका ये डिज़ाइन का पार्ट है, यहाँ पे आपका पहले यहाँ पे क्लाइंट ने दरवाज़ा दिया था लेकिन सेफ्टी के तौर पे उन्होंने अंदर बाद में इसको मैंने शिफ्ट कर दिया दोस्तों, ठीक है। ये आपका मेन गेट हो जाएगा, बाउंड्री का डिज़ाइन भी आप देख लीजिए, इस तरीके से आपका बाउंड्री का डिज़ाइन है, ये बहुत आराम से डिज़ाइन बन जाएगा। इसमें ईंट और ग्रिल का यूजेज मैंने ज़्यादा से ज़्यादा किया, बाउंड्री की हाइट मैंने यहाँ पे 6.5 फीट रखी है दोस्तों, अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों। ये आपका गेट रहेगा यहाँ पे, यहाँ से आप एंट्री करेंगे, जो एरिया बचेगा यहाँ पे आपका ग्रीन एरिया हो जाएगा। इसके बाद ये आपका चौखट हो जाएगा थोड़ा सा, ये आपका रहेगा मेन गेट, ये आपका मेन गेट रहेगा। मेन गेट आपका पूरा स्टील का दिया गया है मेन गेट इस तरीके से, और मेन गेट के ऊपर आपको इस तरीके से ग्रिल का डिज़ाइन आपका दिया गया, इस तरीके से ग्रिल का यूजेज यहाँ पे किया दोस्तों। बाकी ये खिड़की का डिज़ाइन आप देख लीजिए, 4x5 के आपको इस तरीके से खिड़की का डिज़ाइन है, जैसे क्लाइंट ने बनाया है दोस्तों। ऊपर इसमें खिड़की में भी आपको इस तरीके से छज्जा दे देना है, 3 छज्जा, और यहाँ पर आपको इस तरीके से अलग टेक्सचर में आप कर सकते हैं इसको। और यहाँ पर लाइटिंग का जो प्लेस है, इस तरीके से लाइटिंग प्लेस करेंगे तो बहुत खूबसूरत एलिवेशन आपका दिखेगा दोस्तों। यहाँ पे जब सीढ़ी का जो लैंडिंग है उसी में आपको एक बड़ी सी ग्लास की डिज़ाइन, मतलब खिड़की का डिज़ाइन, विंडो का डिज़ाइन इस तरीके से आपको बना लेना है। ये खिड़की आपको कैसे बनाना है उसको भी समझ लीजिए। टोटल जो स्पेस है क्लाइंट का ये 6.5 फीट समथिंग है, तो यहाँ पे आपका 3 फीट का आपका एक ग्लास फिटिंग हो जाएगा। लेंथ की बात करें तो ऊपर आपका 1 फीट छूटेगा, ऊपर चाहे 1 फीट छोड़े चाहे 1.5 फीट, फिलहाल मैंने यहाँ पे 1 फीट छोड़ा, ये जो हिस्सा बच रहा है 1 फीट है, और प्लस ये 5 इंची ये हो गया, तो मतलब मोटा मोटी 1.5 फीट छूट जाएगा, 1.5 फीट ऊपर 1.5 फीट नीचे छोड़ने पे। और किनारे पे आपको इस तरीके से ये ईंट से ईंट जब आप जोड़ेंगे तो उसमें आप 2 इंची ईंट, 3 इंची ईंट निकाल देंगे, बाकी 1 इंची प्लास्टर, तो ये आपका 4 इंची 5 इंची के आसपास ये आपका हो जाएगा। इस तरीके से ग्लास का डिज़ाइन ऊपर तक आपका इस तरीके से कनेक्ट रहेगा, और स्क्वायर शेप में आपका इस तरीके से रहेगा। बाकी ये जो डिज़ाइन है आप स्क्वायर देख सकते हैं, ये 10 इंची बाय 10 इंची का रहेगा, जिसमें 1 इंची का आपको इस तरीके से बनाना है, और इसमें आपको प्लास्टर से आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं, ऊपर तक आप इस तरीके से बड़े आराम से प्लास्टर्स बना सकते हैं दोस्तों। ये एलिवेशन आपको बहुत प्यारा लग रहा है गुमटी का डिज़ाइन, ठीक है। अब बात करें बालकनी का, ठीक है। बालकनी की ये वाली ऊँचाई आपकी 3 फीट है, ठीक है, 3 फीट है, जिसमें मैंने इसको 10 इंची रखा है ये वाला हिस्सा ईंट से। उसके बाद आपका ये ग्रिल लगाया गया, इसमें आप चाहे स्टील लगा दें चाहे कास्ट आयरन लगाएं, ये आपकी चॉइस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल मैंने यहाँ पे स्टील लगाया है। इसके बाद ये जो बात करें, ये जो डिज़ाइन है इसको आप ईंट से आपको बनाना है दोस्तों, ठीक है। इसको आप फिट कर लें, स्टील को आप फिट कर लें, उसके बाद फिर आप ईंट की जुड़ाई करते ऊपर तक चले जाएँ। अगर आप इसको बाद में फिट करते हैं तो ये आपको थोड़ा तोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे ईंट को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। बहुत लोग इसको आरसीसी का भी बना देते हैं, कंक्रीट का भी करा देते हैं, लेकिन वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आरसीसी का भी आप करा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये ग्रिल वाला हिस्सा जो फिटिंग करना है ये चीज़ के लिए आपको गैप छोड़ना होगा, उसी में
थोड़ा कुछ पाइप वगैरह डाल करके आप छोड़ देंगे तो बाद में आप उसी से कनेक्ट कर सकते हैं इस स्टील को, ठीक है। इससे कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम आपको नहीं अगर आप इस तरीके से बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे साइड की अगर बात करें तो ये जो डिज़ाइन है आपका 1 फिट 6 इंची है और ये तो डिज़ाइन का पार्ट है, या प्लास्टर से आप बना सकते हैं 2 इंची थिकनेस करके 3 पैटर्न इस तरीके से आपका ऊपर और नीचे बना सकते हैं दोस्तों। ऊपर हमने एकदम सिंपल रेलिंग रखा है, यहाँ पे आपका प्लास्टर से आप मतलब ब्रिक वर्क करके आप इसको बनाना है आपको, बीच में आपका इस तरीके से ग्रिल का यूजेज आपको देना है दोस्तों। तो ये पूरा एलिवेशन आपको इस तरीके से मिलेगा और हाँ ये बालकनी माने के लिए आपको यहाँ पे एक दरवाजा दिएगा, इसको यूज करके आप बालकनी में आ सकते हैं दोस्तों। तो ये पूरा एलिवेशन आपको इस तरीके से मिल जाएगा दोस्तों। ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। नक्शा बनवाना है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करके नक्शा बनवा सकते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो लिखे, मैं तब तक क्लिप दे लेता हूँ।